नरेंद्र जी, क्या नया ताजा चल रहा है नरेंद्र जी? बस सर बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद से सर कल एक पॉलिसी सर बिक गई है। थैंक अरे वाह, क्या बात है, बधाई हो। वेरी यू सर। गुड, बढ़िया, ठीक है। और और सर 11 पॉलिसी सर टारगेट लिया सर, 11 पॉलिसी करेंगे सर। वेरी गुड, बढ़िया। इक्कीस मनाली का जो है 21 पॉलिसी पर है। 21 पॉलिसी जितना प्रीमियम कम से कम 63,000 होना जरूरी है। 63,000 का, 21 पॉलिसी का प्रीमियम मिला के 63,000 जरूर होना चाहिए। तो ये वाला स्पेशल आपके लिए कंपटीशन आया हुआ है मनाली। यदि आप एक मार्च से लेकर 15 मार्च तक यदि करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 13 मार्च हो गई है, 2 दिन अभी आपके पास और अवेलेबल है। आप यदि थोड़ा सा आप चेक कर लें कि मार्च के अंदर अभी आपका टोटल कंप्लीशन कितना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको भेजा भी है इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट, मार्च के अंदर आपका कितना कितना हो चुका है। आपका कितना हुआ है यदि मार्च के अंदर? सर 5 पॉलिसी सर हुआ है अभी। सर ठीक है, सॉरी, आपकी 5 ही नहीं सर, मार्च में सेवा। सर भी पॉलिसी एक भी नहीं हुआ सर। मार्च में सर पॉलिसी नंबर एक भी नहीं लगाया अभी। बट हाँ सर हाँ बीओसी सर, बस सर बीओसी कर चुका है। मार्च में सर मार्च। कोई अमाउंट जमा नहीं हुआ सर। मार्च में सर भी पॉलिसी नंबर नहीं लगाया सर मेरा अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब बीओसी कट चुका है तो फिर इसका मतलब कंप्लीशन भी हो जाएगा। अब हाँ जी बीओसी सर। आपने तो इसके फॉर्म कितने हैं जिसका बीओसी कटा है? सर फॉर्म सर मेरे पास है सर, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का कमी था सर, वो डॉक्यूमेंट मैंने ले लिए हैं सर। और सर मैं मंडे में आऊंगा ऑफिस में, मंडे में जमा कराऊंगा सबको। ठीक है, मंडे आप ऑफिस आइए मंडे जल्दी और आऊंगा सर। मंडे जी ये कितने बजे आप मंडे कितने बजे आना चाहते हैं? ठीक सर, मंडे में सर 1 बजे पहले आऊंगा, क्योंकि सर कुछ करोलबाग की भी सर एक पार्टी है, उनका भी सर फॉर्म लेते हुए लेकर आना ठीक है। है, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी ये सारे का सारा कंप्लीट हो पाएगा। हाँ अच्छी बिल्कुल बात है सर। जी, तो थैंक यू आप सर। आकर इसको कंप्लीट करिए। जी कभी कभी क्या होता है कि सेल्स के काम में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, कभी कभी कई सारी बातें हमें नई भी पसंद आती हैं। हमें मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ये वाला टॉपिक हमारा पिछली बारी थोड़ा सा बीच में छूट गया था क्योंकि समय कंप्लीट हो गया था। तो क्या हम इसको आगे बढ़ाएं आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके आज ही सर, okay. बिल्कुल। बढ़िया, तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया था इसके बारे में, इमोशनल प्रिपरेशन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। हमारा गोल्स होना चाहिए, क्या क्या गोल्स, हमारी एक्टिविटीज का गोल्स होना चाहिए। गैदर 1,000 नंबर्स, हमें 1,000 लोगों के नंबर्स इकट्ठे करने हैं, 1,000 लोगों से संपर्क करना है, कोई ना कोई गोल्स हमारा होना चाहिए। फिजिकल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर टेलीफोन कॉल, गैदर बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर द कॉल। हम किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे सुदामा शर्मा जी ने किया कि आसपास के जितने भी बोर्ड्स हैं तो उनको पता है ये जितने भी लोग हैं ये आसपास के बोर्ड से मैंने नंबर इकट्ठे किए हैं, आसपास के खंभों से मैंने नंबर इकट्ठे किए हैं। तो वो अननोन लोगों को उन्होंने कॉल किया, वहां से कुछ अपॉइंटमेंट मिल गया, उनको उन्होंने पॉलिसी सेल कर दिया, उसका पैसा आ गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, जो भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर पाए, क्योंकि उस तरीके से हम लोगों को बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाएंगे। प्रोस्पेक्ट के बारे में, उसका नाम, उसकी उम्र, स्पाउस का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है, किन किन चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं, सेविंग में इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका रेफरेंस वगैरह जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, तो उस जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना जरूरी है। फिजिकल प्रिपरेशन में हमको टेलीफोन कॉल के लिए क्या करना चाहिए? फिजिकली हम लोग हेल्दी होने चाहिए। बीमारी में हम लोग कॉल करेंगे तो हमारी आवाज़ से भी बीमारी सुनाई देगी दूसरे व्यक्ति को। टेलीफोन नंबर इकट्ठे करके रखें। इसके अलावा वार्म अप जरूरी है, हम शुरुआत करें एकदम से फोन उठा के चालू ना हो जाए, एक चेहरे पे हमारे स्माइल होनी चाहिए, थोड़ा सा गहरी सांस लें, थोड़ा सा एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ हम कॉल करें, और पेन और अपॉइंटमेंट डायरी रेडी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कॉल किया, उसने बोला अच्छा ठीक है आप कल शाम को 5 बजे आ जाओ, अभी हम उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई साहब आप जरा 2 मिनट रुकिए, जरा मैं पेन लेकर आता हूँ, जरा मैं ना पेपर लेकर आता हूँ जरा। तो जब तक आप पेन और पेपर लाओगे तब तक दूसरे आदमी का इंटरेस्ट घट जाता है या तो खत्म हो जाता है। जहां पर भी आप बैठे वहां पर शोर शराबा ना आए, ये थोड़ा सा ध्यान करें। रूम के अंदर आप बैठे, दरवाजा बंद करके बैठे, सभी को बोल के बैठे कि भाई यहाँ पर शोर शराबा ना आए, बिल्कुल शोर ना आए, क्योंकि आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, बीच में अचानक कमरे का दरवाजा खुलेगा, डिस्टर्बेंस होगी, आपकी बात का टेम्पो टूटने का खतरा है। बाहर का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, कोई आसपास की कोई गाड़ी जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, कोई पड़ोसी वहां पे डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डिस्को चल रहा है, कोई मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, तो शांत जगह पे आप कॉल करें। थिंक लॉन्ग टर्म एंड हैव ए क्लियर फिलोसफी। कॉलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आज हमें एकदम से उत्साह आ गया, एकदम से हमको जोश आ गया, चलो ठीक है कॉलिंग शुरू करते हैं। आज हमने कॉलिंग शुरू करना शुरू किया, कर दिया, शुरुआत हो गई, कॉलिंग कर दी, हमने ढेर सारी कॉलिंग कर डाली,
कॉल करके हमें लगा आज तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट हो गया। उसके बाद 10 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ नहीं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलें, पर डे मैं कितनी बॉल कम से कम करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ गारंटीड अपना टारगेट बना के चलें। तो कस्टमर खरीदे ना खरीदे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में आते हैं, नहीं मेरे को तो बेचना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो नहीं दे रहा, हम जबरदस्ती उसका करने का कोशिश करते हैं, वो दे अपना डिसीजन लिया है, वो बड़ी अच्छी तरह से लिया है डिसीजन मैंने जी। मेरा समझाने का आपको अंदाज पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ सामने वाला ओके करे तो वो ही मैं ओके करता हूँ जी। फिर भी आखिर में मैं एक वास्तु से चीज करता हूँ तो वो चीज अगले के काम आती है जी। बढ़िया। और चेक लोग ब्लैंक इसलिए देते हैं कि उनको ट्रस्ट होता है पूरा पूरा कि अगर मतलब ब्लैंक चेक ले रहे हैं तो इसका मतलब वो सही करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ब्लैंक चेक कहना एक आसान है, लेकिन हर एक कोई ब्लैंक चेक देना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात सही है। 99% अगर मेरे से भी कोई मांगेगा मैं भी ब्लैंक चेक नहीं दूंगा, लेकिन ट्रस्ट होगा तो एक की जगह दो चेक दे दूंगा। हाँ भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, भरोसा है तो आदमी चेक क्या सब कुछ दे देता है। हाँ तो मैं भरोसा ही कायम करता हूँ लोगों का, पर इतने सारे इतने फील्ड है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्लोजिंग की मजबूरियां होती हैं जी। अब कल एक मेरे को बड़ा अजीब वाक्य पेश आया। क्या? मेरे संबी के संबी की बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अपोलो में। ओहो। परसों हुई है, कल मेरे को जाना पड़ा अलोंग विद मेरा चाइल्ड था, सन था हरेन जी जी। तो वहां गए, वो कहते हैं जी घर के इतने सारे सदस्य हमने मेडिक्लेम ले ही नहीं रखा। अरे 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 अरे, बड़े अफसोस। सुनो सुनो सुनो, उनका तर्क सुनिए आप। तर्क का मैंने हॉस्पिटल में जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सीसीयू में थे, आईसीयू से ऊपर होता है सीसीयू, तो उसमें क्या था, वो कहते हैं इतने सारे मेंबर हैं, अगर हम प्रीमियम देंगे तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अगर 2-4 साल में कोई एक बीमार हो गया तो प्रीमियम से ज्यादा कम देना पड़ेगा हमें। सोच नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए मैंने आज सुबह से 4-5 चीजें रेडी रखी हुई दिमाग में कि अभी मैं बात करूंगा आधे घंटे बाद आपके जूम खत्म होने के बाद, तो उनको बताऊंगा भाई साहब इसमें कितने कितने क्या क्या बेनिफिट है, तो इससे शायद वो तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, बात अगर सही बोलेंगे ना, जैसे जज का जजमेंट होता है, अगर आप सही बोलेंगे तो वो फैसला दोनों पक्षों को मान्य होता है। बिल्कुल। तो बात ऐसी बोली जाए जिसकी काट ना हो और उनके फेवरेबल बात हो, अगर फेवरेबल बात होगी तो कोई भी आदमी कभी भी चैलेंज नहीं करता उस बात को और मना नहीं करता जी। ऐसी कार्रवाई करना चाहता हूँ जिससे बेनिफिट रहे लोगों का। तो आज जाऊंगा, 2-3 जगह जाना भी, बात भी करनी है अभी 9:30 बजे के बाद आपसे फ्री होने के बाद जी। जरूर। और बताएं क्या? ठीक है जी। आपने 250 पॉलिसी का टारगेट रखा है तो सोचता हूँ मेरा भी कुछ पार्टिसिपेट रहे उसके अंदर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, हम लोग बढ़िया करेंगे बिल्कुल। आपका टारगेट आप मार्च के अंदर आपने कितना रखा है? देखिए मैंने मार्च के अंदर जो मैंने अपना रखा है, मैंने 50 का रखा है। अब ये पता नहीं भगवान कितना करता क्या नहीं करता, मेरी कोशिश है कि 50 कर लूं। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपने 50 का टारगेट रखा है, 51 होंगी। जब मैंने 50 का कल बोर्ड देखा ना आपका 251 का, तीनों मैनेजर थे, आप भी थे, दोनों मैनेजर और थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अगर मैं किसी को दिखाऊंगा, देखो ये हमारा टारगेट है, इसको अगर तू कर देगा तो अचीव हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे इसके जी। क्योंकि सामने वाले को हमेशा विश्वास में लेना और उसके फायदे की बात करना, वो कहता है जी मेरा ये बेस्ट वेल विशर है जी। ठीक बात है, ये तो है, वेल विशर एक चीज एक अलग है। अगर हम किसी को सही रास्ता बताते हैं, सही चीज बताते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तेरे पास पैसे नहीं है तू मत दे, मैं जमा कर दूंगा जब तेरे पास, तू दे दियो, लेकिन तू कम से कम इसमें सेफ जोन में तो आ जा जी। तो लोगों को बात समझ आती है, और मैं कईयों को देता भी पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे बाद में आ जाते हैं, मैं मांगता भी नहीं, कॉल भी नहीं करता था। तो उसमें दो फायदे होते हैं, देखो एक तो नाम रहता है, एक काम हो जाता है, एक दूसरा सेफ जोन में आता है। फिर उसका विश्वास ये होता है, देखो जी इन्होंने मेरे पर विश्वास करा जी। आमतौर से बीमा एजेंट कभी अपने पास से 2 रुपए भी नहीं लगाता, वो कहता है फोटोशूट भी तू करा के दे, मैं कहता हूँ तू कुछ मत दे, तू मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप कर दे, बाकी मैं निकलवा लूंगा पैसे खर्च कर। और मैं खर्च करने में मना नहीं करता, क्यों? खर्च नहीं है ये, इन्वेस्टमेंट है। एक ठीक बात है, ये इन्वेस्टमेंट है ये। हम वैसे भी तो देखो 10-5 हजार साल के दानपुर में कर ही देते हैं ना, तुम समझ लो इसमें कर दिए हमने दानपुर जी। और बाकी आप लोग सारे बढ़िया हैं जी,
बाकी आप लोग सारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ से मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं मिलती, काम मिलता उस दिन। देखो हरी जी ने काम कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल से मैंने उनको धन्यवाद करा, दिल से, कि उनकी वजह से पूरी हो गई। इससे पहले तीन जनों ने कोशिश करी, नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश टीम ने करी, एक ने तो काम पूरा कर दिया ना जी, पांच ने करी, परीक्षित ने करी, प्रमोद जी ने करी, चार लोगों ने करी, और विनीता भी लगी रहती है, आप भी लगे रहते हैं, आपको कम थोड़ना है, आप भी कोशिश पूरी करते हैं। नॉलेज की बात है, हरीश जी को सॉफ्टवेयर के बारे में उसकी नॉलेज है कि उस वाले सॉफ्टवेयर में कौन सा बटन कहाँ से दबाना है, तो नॉलेज है, तो इस वजह से वो कर पाएंगे। ऐसे ही जब मैं कोई चीज करता हूँ ना जी, तो मैं सिर्फ समझता हूँ उसको, समझते हैं तो भूलते नहीं है, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक, समझ के काम करो और सामने वाले का सही देखो, उसका फ्यूचर ब्राइट रहे जी, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी किस्म की भी। अब देखो वेस्ट बंगाल वाले की 1 लाख का प्लान था, अब मैंने दिया उसको 15 लाख का प्लान दिया 1 लाख की जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने आयुष जैना का देखा ना, वेस्ट बंगाल का है वो, वेस्ट बंगाल की, पहले वेस्ट बंगाल की भी थी 1 लाख की, उसको मैंने सीधे दिखाई, ग्रीन गार्डन दिखाया, मैंने 1 लाख में तेरे को क्या मिलेगा 20 साल 21 साल बाद, वो घबरा गया। तो मैंने कहा अगर तू 15 लाख की लेता तो तेरे को 1 करोड़ मिलने की संभावना तो है। तो उसको 1 मिनट बाद क्लिक हो गई, कह लगा जी इतने पैसे नहीं है। मैंने पैसे की चिंता ना कर, तू केवल ओके करेगा तो मैं उतना ही करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं तेरे ऊपर। तो वो कहने लगा ठीक है जी, मुझे अंकल जी पसंद है, मैं इतना ही दूंगा, 1 मिनट में दे दिया उसको मैंने। आपका बताने का तरीका बहुत बढ़िया है जी, समझने और समझाने का गेम है ये, जिसको समझ आ जाता वो 1 मिनट लगाना पसंद नहीं करता। नहीं, समझ में आ जाता और समझाने वाले पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितने शानदार तरीके से बताया इस पर। बताने में तो मैं इतनी कोशिश करता हूँ, कई बार पूरा ना मानना, मैंने मॉनिटर दरअसल में 6 साल हायर सेकेंडरी स्कूल में मॉनिटर था, तो टीचर ने कुछ समझा जब भी तो मेरे को मॉनिटर बनाया, और मैं स्काउट से मैंने ज्वाइन करी थी 6 साल तक, तो स्काउट से भी रहूं तो डिसिप्लिन वगैरह मुझे आता है। आउटसाइड के शब्द में कभी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, मैं कहता हूँ जो काम है जितना जल्दी हो जाए। अब ज्ञान जी थे, 5.25 लाख का चेक देना कोई मखौल नहीं है, बुरा ना मानना जी, 5.25 लाख का चेक देना कोई मखौल नहीं है जो उन्होंने दिया। देखो जिसके पास पैसे है ना वो तो अरबोपति है, वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो छोटा आदमी है, गांधी जी ने भी कहा था असली मेहनत तो छोटे आदमी की जो पैसा दे रहा था, तो छोटे आदमी की वक्त मैं ज्यादा करता हूँ, वो पैसे से छोटा है लेकिन बाकी तो सब चीज पूर्ण है, संपूर्ण है उसके अंदर, बिल्कुल। तो सामने वाले का आदर सत्कार मैं करता हूँ, और कभी मैं कोई चीज प्रचलित करता हूँ तो 2 रुपए कम देता नहीं किसी को, मैं तो लोग बाग मुझे भी ज्यादा देते हैं, कम नहीं देते, और ऊपर वाले मालिक की कृपा, आप लोगों भाइयों लोगों का सहयोग है तो काम परफेक्ट होते हैं। आप बताएं और आगे जी। आपका बताने का तरीका बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपका बताने का तरीका अच्छा है, इस वजह से लोगों को भी बढ़िया लगता है पैसा देने में। जो हमारा मंगलवार का जो प्रोग्राम रहेगा, मंगलवार का जो होटल गुड एप्पल रेजिडेंसी के अंदर, जो गुरु हरगोविंद एन्क्लेव के अंदर जो होटल जो है, तो मंगलवार को सुबह आप वहां पर 10 बजे पहुंचे, सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन रहेगा, सुबह 10 बजे 10:30 बजे इनका छोटा सा कुछ स्नैक्स वगैरह का होटल की तरफ से प्रोग्राम है। 11 बजे हम लोग प्रोजेक्टर पर चालू करेंगे, ये वाली स्क्रीन तो छोटी है, तो इस वाली स्क्रीन पर मोबाइल फोन या तो टैब की स्क्रीन या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है, तो वहां पर फिजिकली हम लोग मिल पाएंगे। फिजिकली वैसे भी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा अंडर राइटिंग के बारे में, घर बैठ के पॉलिसी नंबर लगाने के बारे में, थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस शेयरिंग सभी लोगों का। बाकी आप मुझे बताएं कि कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि वहां पर हम लोगों को कवर करने चाहिए। देखिए सबसे पहले हर आदमी को मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, मुझे सबसे बढ़िया प्लान लगता है जीवन आरोग्य 904। आरोग्य बहुत ही शानदार प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है, आपको बहुत बहुत बधाई। जो 20 साल जो ऊपर हो जाता है उसको कम से कम एक कैंसर के प्लान जरूर देना चाहिए जी। ये बीमारी ऐसी फैल रही है दीमक की तरह, वर्ल्ड ओवर फैल रही है, और ये देख के नहीं आती, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, ये देख के नहीं आती आदमी सात्विक है, रोटी नहीं खाता, कम खाता है, बाहर का नहीं खाता, तब भी अपने आप आ जाती है। तो कम से कम उसकी जेब में 10-20 लाख का प्लान हो, जितना वो बजट हो उसका, उस हिसाब से प्लान दे दें तो कम से कम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी तो है। तीसरी बात सेविंग की आती है,
और प्रोडक्शन की आती है उसमें वो जीवन लाभ ले ले, जीवन आनंद ले ले, ये 945 ले ले, वो सारे प्लान उसके लिए एज पर जो उसकी चॉइस, ठीक है, क्योंकि हमें सामने वाले को बुरा ना मानना। एक छोटी सी बात है, अगर अंडरवियर चाहिए हम उसको बनियान देंगे तो नीचे से वो नंगा रह जाएगा। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफिल करना चाहिए, जो उसकी जरूरत है फैमिली की, कि भाई तुम्हारी क्या जरूरत, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो ये ले लो, बच्चे बड़े हैं तो ये ले लो, और तुम अगर नहीं अनमेरिड हो या तुम्हारी मैरिज जस्ट होने वाली है। कल मैं पटियाला हाउस गया था, मेरी तारीख थी, एक वकील साहब आए थे, मात्र उम्र 30 साल थी, उन्होंने एक की जगह दो विजिटिंग कार्ड दिए, कहने के जी मैं 30 एरी कोर्ट भी जाता हूँ और पटियाला हाउस भी रहता हूँ, आपका मकान मिड में रहता है तो नेक्स्ट वीक आपके पास आता हूँ, मैं एक प्लान जरूर लूंगा। तो मैंने कहा आप सिंगल क्यों हो? कहने की जी नवंबर मेरी शादी होने वाली है, तो मैंने वाइफ का नाम पहले ही लिखवा लो, वाइफ तो तुम्हारी बनी जाएंगी, वो कहीं और एंगेज थोड़ना है। जीवन प्रेम प्लान, जीवन प्रेम पॉलिसी जी। तो मैंने नहीं, मैंने कहा वाइफ तो बनी जाएंगी, वो उनका मेरे को आधार ही तो चाहिए। और मैंने कहा आपकी इंडिविजुअल होगी, उनकी इंडिविजुअल होगी तो अभी करा दो, वो आपकी प्रॉपर्टी तो है कम से कम, नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी आप ही की तो है वो। तो वकील साहब कल जज साहब छुट्टी पे थे, तो मेरे को अच्छा टाइम मिल गया आधे घंटे का उनको समझाने का, वकील साहब को। वकील साहब हाल ही समझते नहीं है, उन्होंने पूरी एक एक बात ध्यान से सुनी, समझी, अपने दो विजिटिंग कार्ड दिए, मेरा टेलीफोन नंबर लिया, सेव करा मेरे सामने, और काफी अप्रिशिएट करा वकील साहब ने। कहते हैं जी जो मतलब आप कहोगे वो प्लान ले लूंगा। मैंने पैसे कह ले, पैसे कोई चिंता नहीं, जितना पैसा कहोगे उतना चेक दे दूंगा जी। तो कल ही मेरी बात हुई आधे घंटे, सुबह 9:30 से और 10:30 तक बात हुई थी, उस बीच में आधा घंटा मिला मेरे को, एक घंटे में आधा घंटा मिला, वो एक दो बार गए भी थे, लेकिन काफी समझ आया। आदमी को एक बार समझ आ जाए ना तो समझ निकलती नहीं बाहर जी। जैसे आप कोई फिल्म देखेंगे, फिल्म में कोई चीज समझ आ जाती है ना, वो बाहर नहीं निकलती जिंदगी भर, लाइफ टाइम। राइट, समझने और समझाने का ही हमारा काम है, हम अच्छी अच्छी चीजें समझे और लोगों को हर रोज जाके समझाए। और आपको बहुत बहुत बधाई कि जीवन आरोग्य पॉलिसी के अंदर पूरे ब्रांच के जो 519 एजेंट हैं, सबसे ज्यादा जीवन आरोग्य पॉलिसियां आप ही ने सेल करी हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां आपके। धन्यवाद। कैंसर कवर के अंदर भी, जो ब्रांच के अंदर जो कैंसर कवर की सेल है, मैंने आपको उसका व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आपका 7वां नंबर है, तो 7वां नंबर है ब्रांच के अंदर कैंसर कवर की सेल में। और जो नंबर 1 पर जो भाई साहब थे, तो उनकी कैंसर कवर की, कल भी वो आए हुए थे यतीश कुमार जैन, तो उनकी कैंसर कवर पॉलिसियां हुई हैं 10, आपकी थोड़ी सी कम है, तो इसलिए आपका 7वां नंबर है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में थोड़ा सा आगाह किया जाएगा, थोड़ा सा कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि कैंसर करवा, कैंसर प्रोटेक्शन का प्लान लेना क्यों जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली आप ब्रांच के अंदर, जैसे आप जीवन आरोग्य के अंदर नंबर 1 इन द ब्रांच है, वैसे ही आप कैंसर कवर के अंदर भी नंबर 1 इन कैंसर कवर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा यदि लोगों को कैंसर कवरेज के बारे में जागरूक करें, इवन 10 रुपए प्रतिदिन भी यदि हम जमा करते हैं, तो 10 रुपए प्रतिदिन जमा करने के बावजूद भी 32 लाख रुपए की गारंटी एलआईसी हमको देती है कि भगवान ना करे यदि कैंसर हुआ तो 32 लाख रुपए की पूरी गारंटी है। तो कैंसर कवर के बारे में क्या होता है कि हमें ना कई बार खुद ही शर्म आ रही होती है कि हम इस प्लान के बारे में बताएं कि ना बताएं, मतलब हम खुद ही अपने बारे में इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं, बोलो कि ना बोलो, बोलो कि ना बोलो, बोलो कि ना बोलो। अब ये खतरनाक सिचुएशन से क्या होता है कि नहीं बोला वो पता लगा मामा बन गए, पति बनने का मौका था मामा बन गए। सो ये खतरनाक सिचुएशन है, तो हमारा काम है बोल देना, बोलने से या तो सेल होगी या तो पोस्टपोन होएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मंगलवार का सुबह का प्रोग्राम है, मंगलवार में सभी साथी वहां पर पहुंचे 10 बजे रजिस्ट्रेशन उदयपुर रेजिडेंसी होटल में। हम लोग अपना जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है 11 बजे से 2 बजे वो सब कंप्लीट करने के बाद, लंच के बाद कोल्ड कैनवासिंग का प्रोग्राम, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। कोल्ड कैनवासिंग का भी मौका, आसपास के जितने भी घर हैं, दुकानें हैं, ऑफिस हैं, आप में से जो भी साथी आना चाहें तो कोल्ड कैनवासिंग की प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। आप में से बहुत से साथियों ने बोला था कि नहीं कोल्ड कैनवासिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छी बात है कोल्ड कैनवासिंग, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी भी घर घर जाके वोट मांगते हैं, हमें भी करना चाहिए, सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे एमपी, एमएलए, सारे के सारे कोल्ड कैनवासिंग करते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं, तो हमें भी ये काम जरूर करना चाहिए। और मंगलवार को कोल्ड कैनवासिंग का लंच के बाद, हिंदुस्तान का शहंशाह है ना जी, जो हिंदुस्तान का शहंशाह है ना, उसका नाम है अमिताभ बच्चन जी, वो 10-10 पैसे की हाजमोला बेचता है,
हाँ 10 लाख ठीक बात है, लाखों रुपए का सामान बेचते हैं, लाखों रुपए का सामान, बिल्कुल करोड़ों रुपए का सामान, लाखों रुपए का सामान बेचते हैं, मिनिमम तो लाख रुपए कह रहे हूँ मैं, है तो करोड़ रुपए लेकिन मिनिमम लाखों रुपए का तो बेचते ही है। हाँ 10 पैसे की हाजमोला बेच के और 2 करोड़ रुपए फीस लेता है, 2 करोड़ रुपए चार्जेस लेता है 10 पैसे का सामान बेचने के लिए, वो 5 करोड़ से कम लेता ही नहीं है, 5 करोड़ से कम नहीं लेता है, बिल्कुल ठीक बात है, कम लेता ही नहीं है, उसके घर के बाहर अगर जाना है तो 5 करोड़ लेगा, वो 5 करोड़ लेगा, करेक्ट। तो ये जी बताए, हम सबको जो है सिक्योर कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए जी, बुरा ना मानना, जमुना का जो रेत होता है ना फ्री, वो भी बिकता है, ट्रक भर भर के बिकता है, हाँ स्मगलिंग होती है, हाँ स्मगलिंग होती है उसकी जी। आप क्या है, कोई कहता है ना कमीशन, मैं कहता तेरे को जितना कमीशन चाहिए मुझसे ले, कमीशन की बात मत कर, लेकिन तू देख तेरे को प्रोडक्शन मिली नहीं मिली जी, तो फिर मेरे से कोई कमीशन की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कमीशन मत कर, मैं तेरी सेफ्टी के लिए आया हूँ, आगाह करने आया हूँ, तू नहीं जागेगा भाई तो देर हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। मैंने कहा भगवान ना करे तेरे को ठोक दे या तू ठुक जाए, तेरे को गारंटी है तू ठुकेगा नहीं जी, तो वो अपने बारे में समझता है कि हाँ मैं अवेयर हो गया हूँ, अवेयर हो गया तो फिर वो देर नहीं करता, डिले नहीं करता, मैं कहता हूँ डिले ही डेंजरस, जहाँ जिसने डिले करी वो खतरनाक है किसी चीज में भी, तो इसमें एज अर्ली एज पॉसिबल जी। अब ये मनी जैन थे, अब ये कहते हैं बहुत पॉलिसी है, बहुत पॉलिसी है, बहुत पॉलिसी है, मनी जैन को दी है मैंने अभी बढ़िया 2-2.5 करोड़ की, तो बहुत है बहुत है, जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, 10 लाख की 2 ले रखी है, मैंने 10 लाख से क्या होता है भाई, मैंने 10 लाख मैं तेरी जेब में तो बिल्कुल सही बात है, तो कहता है कि मतलब एक तो कर दो दूसरी के लिए तैयार होगी जी, तो मैं इसमें बॉन्ड लेकर जाऊंगा इनके पास, तो इनको समझ है मेरे बारे में, तो ये मैं समझता हूँ दूसरा चेक भी दे देंगे क्लोजिंग से पहले ही पहले जी, आप इनको तो जीवन आरोग्य और कैंसर कवर भी इनको जरूर दीजिए। हाँ ऐसा होता है, सबसे पहले जो समझदार आदमी होता है वो 904-905 ले सकता है, लेकिन अगर हम पहले खतरनाक बात बोल देना तो उसको हजम नहीं होती, कड़वी गोली, पहले मीठी गोली दी जाए फिर कड़वी गोली दी जाए, अभी 945 दी है, फिर 904 और 905 के बारे में बताऊंगा, तो बताऊंगा वो समझ लेंगे, समझदार जो आदमी ग्रेजुएट होता है ना उसे समझाने में कम वक्त लगता है, क्योंकि हम आधी बात बताते हैं पूरी बात वो खुद बोलता है कि हाँ जी आई एम रेडी जी। अच्छा बहुत भाई इतना पैसा भरा पड़ा है, इतना पैसा भरा पड़ा है बैंक अकाउंट्सों में, उनको पैसे की परवाह ही नहीं है, परवाह नहीं है, सही बात है, तो मैं कहता हूँ भाई सरकार तुम्हें दे रही है, तुम 10,000 रुपए दे रहे हो, सरकार तुम्हें 1,65,00,000 देना चाहती है, तुम नहीं लेना चाहते तो भाई अपना दरवाजा बंद रखो लक्ष्मी जी के लिए जी। सरकार फोकट में पैसा दे रही है, अगर तुम, अगर तुम 10,000 साल के देते हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ 1,65,00,000 जी, कौन बनेगा करोड़पति जी, इलाज तुम कहीं कराओ, मैं कहता हूँ इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये केवल तुम्हारे बैंक में खाते में आने को तैयार है, जब ही रुचित गुप्ता ने 40-40-10 लाख की थी, रुचित गुप्ता की 10-10 लाख की 2 और कराई मेरे से, 40-40 लाख की 2 और कराई, 80 लाख की रख दी है मैंने उनको आपके सामने जी। तो समझाने वाले को अपना ना लोभ त्याग के मोह त्याग के समझाने वाले को सामने वाले की नजर के साथ चलना चाहिए, चलना चाहिए, जिसने सामने वाले की नजर पहचान ली समझ लो बेनिफिट दोनों का ही होता है, दोनों का, हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा नाम होता है काम करा। देखिए एक ही बात बोलूंगा, बहुत छोटा सा गुरु मंत्र है, आज बच्चा जो है घर में, सबके बच्चे हैं, बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी जी और फेल हो गया, इसका मतलब मेहनत नहीं करी, पूरे साल उन्हें आवारा गर्दी करी लेकिन पास हो गया, इसका मतलब उन्हें मेहनत करी, हम जो ये नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है कि हमने क्या काम करा और किसके लिए जी, आखिर हम गवर्नमेंट के आदमी है, सरकारी आदमी हम जुड़े हुए हैं, तो हमें बैच नंबर मिला हुआ है, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो सामने वाले को नागवार गुजरे, जैसे कैशियर की हैसियत होती है ना, तुमने 10 लाख रुपए दे दिए तो केवल उसकी सीट पे दिए ना कि वो सीट है, तो ऐसे आदमी हमें पैसे देता है कि हम गवर्नमेंट के आदमी हैं, नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, तो हमें कोई भी आदमी पैसे देने से इनकार नहीं करता कभी भी जी, राइट बिल्कुल, केवल अच्छे ढंग से समझाने की क्लास चाहिए लोगों को, हाँ समझाना बिल्कुल सही बात है, हम समझाना सीख गए तो फिर उसके बाद कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, बस सामने वाला एप्रिशिएट इतना करता, सामने वाला एप्रिशिएट इतना करता है, बुरा ना मानना, वो चाय भी मंगाता है साथ में बिस्कुट अपने आप मंगाता है
जी, जबकि आपको पता है मैं चाय पीता नहीं, लेकिन फिर भी उसका मन रखने के लिए पीनी पड़ती थोड़ी सी कि भाई इसने हमारी बात मानी तो चलो हम इसकी बात मान। बाकी मैं चाय पीता नहीं, बहुत सारे चाय के लग्गू होते हैं ना कि चाय पीनी पीनी है, मैं चाय के लिए कभी किसी कहता नहीं और अवॉइड करता हूँ 99% को। जी जी, क्योंकि हम काम के लिए गए हैं, हमने चाय पी तो हमारा दूसरा कस्टमर चला जाएगा 10 मिनट में। चाय तो एक बहाना है, चाय के बहाने कम से कम सेल होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर सेल हो रही तो चाय पी, अगर सेल नहीं हो रही तो चाय नहीं पी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, मुझे पक्का यकीन चाय पियो। मैंने भाई तू चेक देगा तो चाय पिला दे, अगर चेक नहीं दे रहा तो चाय नहीं। ठीक है ना, पहले चेक तो मिलना जरूरी है, सही बात है। तो तू चाय पिला के मेरे से बहाना करना चाहता तो चाय मत पिला मेरे को। जी जी, तो हमारे पास आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, हमने पिछले 40 मिनटों के अंदर ढेर सारी अलग अलग बातें करी और अग्रवाल साहब ने आज हमें बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे टिप्स भी बताए, किस तरीके से शानदार तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग भी किया। और मेरे को पक्का यकीन है कि हमारे बाकी सभी साथियों को पॉलिसी बेचने में उसके द्वारा मदद मिलेगी। और मंगलवार का प्रोग्राम 10 बजे का नोट कर लें, वहाँ पे हरगोविंद एन्क्लेव में सभी को आना है और प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। हमारा टारगेट 251 पॉलिसी का जो है, हमारे जो ब्रांच मैनेजर उन्होंने दिया है, आप अपना अपना टारगेट लिख के मेरे को जरूर भेजें। कल सुबह का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग मिलेंगे टाइम से, मुझे लगता है शायद 7:15 का टाइम है कल सुबह का जो टाइम रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग टाइम से मुलाकात करेंगे। कल तो संडे है ना, तो संडे हम 9 बजे का हमारा टाइम है, तो कल सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आज ऑफिस की छुट्टी है लेकिन आप समय का इस्तेमाल करें और ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स करें अलग अलग लोगों को।